राजधनवार खोरी महुआ अनुमंडल के पास गुरुवार को एपोआ के बैनर तले एपोआ की महिलाओं ने सीएए एनपीआर एनआरसी के विरोध में 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम की शुरुआत की। धरना कार्यक्रम में एपोआ की महिलाओं ने काला कानून नहीं चलेगा, सीएए एनपीआर एनआरसी वापस लो आदि के नारे लगा रहे थे। वहीं एपोआ नेत्री जयंती चौधरी ने कहा कि सीएए एनपीआर एनआरसी के विरोध में यह धरना कार्यक्रम रखा गया है। कहा कि भाजपा सरकार ने यह काला कानून लाया है जिसका हम सभी एपोआ की महिलाएं विरोध करते हैं तथा झारखंड में कतई काला कानून लागू नहीं होने देंगे। इस एपोआ के बैनर तले इस सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तथा यहां के महागठबंधन की सरकार को हम कहते हैं कि झारखंड में इस कानून को लागू ना किया जाए। इस कानून के तहत हमारे असहाय किसान तथा मजदूर सभी छंट जाएंगे। ये धरना कार्यक्रम हम लोग सीएए एनआरसी और एनपीआर के विरोध में आज यहाँ बैठे हुए हैं जो मोदी सरकार ने इस काला कानून को लाया है। इसलिए यहाँ एपोआ की महिलाएं यहाँ आज बैठी कि इस कानून को हम लोग अपने झारखंड में कतई लागू होने नहीं देंगे। दिल्ली में शाहीन बाग बना के बैठी हैं, इसलिए हर देश में हम लोग गिरिडीह जिले में भी यहाँ आज से महिलाएं हम लोग शुरू किए हैं एपोआ के बैनर तले, और इसके बैनर तले ही से हम लोग इस सरकार को इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के हम महागठबंधन की सरकार जो है हेमंत सरकार, उनको भी हम लोग यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे झारखंड में कम से कम ये कानून को लागू ना किया जाए, क्योंकि ये कानून के तहत हमारे गरीब किसान मजदूर सब छट जाएंगे।